चलिए आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा। देखिए आपको बता कि आर्टिकल जो 22 है उसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसके बाद उनको कौन सा रेमेडीज मिलता है या उनको क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में। देखिए आपको अभी बता कि कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट होता है, तो अरेस्ट होने के बाद अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनको क्या है, विद इन 24 आवर्स के अंदर क्या होता है, उनको मजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो नजदीक के जो वही मजिस्ट्रेट होता है, उनके सामने क्या होना चाहिए, पेश किया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति अरेस्ट होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी अपराध किया हो। दूसरा क्या होता है, उनको जो गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, उसके कारण बताना चाहिए कि आपको, मतलब मुझे अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो मुझे बताएगा कि आपको किस आधार पर, मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया, मेरा क्या दोष क्या है, ये बताएगा। उसके बाद क्या होगा, मुझे क्या होगा, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं अपने क्या मनपसंद जो भी होता है, उसके जो कोई जो लॉ प्रैक्टिशनर होता है या लॉ के जानकार जो होते हैं, विधि के जानकार जो होते हैं, उनसे मैं सलाह ले सकता हूँ कि मैं अपने जो भी सजा हुई है उसको कैसे निपटा जा सकता है। और अगर मान ले किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो फीमेल जो कॉन्स्टेबल या पुलिस होती है उनको भी क्या होता है, उनके साथ होना चाहिए। फीमेल को, जो मेल जो पुलिस होता है वो फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता। फिर तीसरी बात क्या होता है, अगर किसी घर में अगर तलाशी करना है तो उसके लिए सर्च वारंट होना चाहिए, और घर में जाने के लिए सर्च वारंट के साथ साथ क्या है, फीमेल पुलिस की भी आवश्यकता है। लेकिन गांव में क्या होता है, फीमेल पुलिस होती नहीं है, तो ऐसे चलता है इंडिया में, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पुलिस की जो संख्या है बहुत कम है, वो हर राज्य में, तो उत्तराखंड बोलो तो यूपी बोलो, हर राज्य में क्या है, पुलिस की कमी है पूरे राज्य में, भारत में। और एक मात्र हमारे यहाँ पे जो केरल है, केरल में पुलिस थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी जितने भी राज्य है सब में क्या था, एक पुलिस एक्ट लाया गया था, वो केवल केरल राज्य में लागू है, बाकी भारत के किसी राज्य में लागू नहीं। इसलिए देखिएगा कभी कभी आप लोग देखेंगे पुलिस राज भी कहा जाता है, कि पुलिस देखिए उत्तराखंड में लेकर रहता है, पुलिस हमारी मित्र होती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में जब पार्टी मजबूत होता है तो ऐसे सुनने में नहीं आता है। अब देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे केसेस, केसेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कि जो दबंग लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं या जो राजनीतिक पावर वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ भी करना उतना आसान होता है। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज में सुने होंगे, जो प्रकाश पांडे हुआ करता था, जो माफिया थे, वो क्या है जेल में बैठे बैठे महंत बन गए। तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है, इसमें आप सब इसके बेटर जानकार रखते हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे। और एक होता है जो देखिए, एक तो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है, और एक होता है जो एबनॉर्मल केसेस में होता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी जब जम्मू कश्मीर में क्या है, उनको जब यूपी बनाया गया, टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां पे इमरजेंसी लागू कर दिया गया था, यानी धारा 144 लागू कर दिया, यानी जो सेक्शन 144 लागू कर दिया। उसमें क्या होता है, एक निरोधक कानून लगाया जाता है, और उस निरोधक कानून में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले उसको रोकना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर आसपास क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति है कि हर दीपावली में कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों को बम से उड़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसे होता है तो क्या होगा कि पुलिस क्या होगा, दीपावली आने से पहले उस व्यक्ति को क्या होगा, अरेस्ट कर लेंगे। ऐसे हो सकता है, जैसे आप लोग देखोगे दिमाग के आने से पहले जितने भी व्यक्ति को पुलिस लाइसेंस वाले बंदूक देते हैं, उन सबको जमा कर लेते हैं। तो ऐसे भी होता है, तो इसको निवारक कानून कहते हैं, जो सामान्यतः नहीं होता है, जो विशेष व्यक्तियों के लिए होता है। इसके लिए होता है विशेष व्यक्तियों के लिए होता है। अभी देखिए जम्मू कश्मीर के जितने भी नेताओं थे उनको क्या होता है, ये लागू किया गया था। आगे है आर्टिकल 23। देखिए 23 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, फिर भी होता है। पहले आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, कि जबरदस्ती लोगों को क्या होता है, जो दबंग लोग होते हैं वो जबरदस्ती काम करवाते थे, उसको फोर्स लेबर कहा जाता है, या बंधुआ मजदूर जिसे कहा जाता है। और दूसरी बात होता है कि ट्रैफिकिंग बहुत होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता है, यानी मानव का जो दुर्व्यापार बहुत ज्यादा होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में हर साल कम से कम 1 करोड़ जो फीमेल है सबसे ज्यादा, उनमें क्या होता है, इनकी तस्करी होती है।
और अधिकतर इसमें क्या बच्चे ज्यादा होते हैं, फीमेल जो लड़कियां होती हैं उनकी तस्करी बहुत ज्यादा होती है, उनको अलग अलग जगह पे भेज देते हैं, विदेशों में भी भेज देते हैं, इसमें प्रोस्टिट्यूशन वाले काम में उनको लगा दिया जाता है। तो इस पर क्या होता है कि जो मानव तस्करी होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जो, और क्या होता है जो बंधुआ मजदूर होता है, फोर्स लेबर होता है, उस पर आर्टिकल क्या है 23 पर उसमें बैन लगा दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, आप लोग बहुत सारे देखे होंगे पहले के पिक्चर में, देखे होंगे ठाकुर साहब वाला मैंने पिक्चर में, उसमें क्या था जबरदस्ती काम कर रहे थे चौधरी साहब वाले, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, अभी कानूनी नहीं कर सकते, लेकिन कोई क्या होता जबरदस्ती अगर कानून के अगेंस्ट में जाके करते हैं वो अलग बात। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 24 क्या होता है, इसमें कहता है चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब जो बाल मजदूरी जिसे आप कह सकते हैं, इस पर इसको रोकने की बात करता है। देखिए चाइल्ड लेबर को रोकना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके कुछ मौलिक अधिकार उनके भी तो होते हैं, केवल बड़ों के मौलिक अधिकार नहीं होने चाहिए, बच्चों के भी अधिकार होते हैं। अभी आपको बताया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या फ्री एजुकेशन है, अगर ये 14 साल तक के हैं के जो बच्चे होते हैं, इनसे कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनसे क्या होता है आप वर्क नहीं करवा सकते, स्कूल टाइम पे वर्क नहीं करवा सकते हैं, स्कूल टाइम होता है उससे वर्क अगर करेंगे तो आप जेल जाएंगे। दूसरी बात होता है केवल स्कूल नहीं होना, उनको प्ले गेम भी खेलना चाहिए, क्योंकि बच्चे गेम नहीं खेलेंगे तो उनका क्या होता है शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होंगे। आप लोगों ने पेडागोजी में पढ़े होंगे इसमें कि पढ़ेंगे या पढ़े होंगे या पढ़े पढ़ेंगे कि गेम क्या होता है, जो व्यक्ति होता है या बच्चे होते हैं उनका क्या होता है जो मानसिक और शारीरिक विकास करवाता है, केवल क्या है शारीरिक नहीं मानसिक विकास भी करता है। तो स्कूल में जाए, स्कूल के टाइम पे कोई काम नहीं करवा सकते हैं, उसके बाद क्या है गेम उनको खिलाना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर उनको काम करवाया जा सकता है कि अगर वो कोई अपने ब्लड रिलेशन में रहते हैं और स्कूल के अतिरिक्त अगर वो कोई समय पे काम करे तो वो क्या है चाइल्ड लेबर के अंतर्गत नहीं हो। जैसे मान लेते हैं किसी के घर में पशु पाला जा रहा है, एक बच्चा है 10 साल का, वो स्कूल भी जाता है, थोड़ा बहुत क्या है चारे वगैरह का भी इंतजाम कर लेता, तो उसको क्या होता है बाल मजदूरी के अंदर मिलता है। लेकिन अगर उसको ब्लड रिलेशन में नहीं है, अगर उसके बाद भी क्या है वो पैसे के लिए ऐसा कर रहा है और स्कूल भी नहीं जाता है, तब उसके जो चाइल्ड एक्ट है उसको क्या होगा लगते। देखिए बाल श्रम और संरक्षण अधिनियम क्या है 2016 में पास किया गया है, उसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाल श्रम जो संशोधन से पहले किया था 86 में उसको पास किया गया था, तो 14 वर्ष के बच्चों को, आप लोग देखे होंगे ना कि जो चूड़ी फैक्ट्री हो गया, बीड़ी बनाने वाला जो कारखाना हो गया, और जो जितने भी पटाखे वगैरह होता है जो फ्लैक्स वगैरह होता है अभी दुर्गा बोले आने वाला, इनमें छोटे बच्चे का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उनके हाथ सॉफ्ट होते हैं तो उनकी बनाना बहुत ईजी होता है, पेड़ के ऊपर से पत्ते तोड़ना उनके लिए ईजी होता है, तो चूड़िया बन जाती है ना जिसको मिलेगी, वो क्या होता है बहुत कांच के चूड़िया सॉफ्ट बनना हाथों से क्या होता है अच्छे बनते हैं, वो टूटते का है, तो इसके लिए बच्चों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा की जाती है, तो इस पर भी क्या है प्रतिबंध लगा दिया। अब जानिए उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद वगैरह क्षेत्र है ये चूड़ियों के लिए क्या फेमस है, या जो दुनिया भारत का सबसे ज्यादा जो पटाखे बनते हैं वो आप जानते हैं जो तमिलनाडु में शिव काशी का नाम सुने होंगे, तो शिव काशी में क्या होता है वहाँ पे क्या होता है पटाखे वगैरह बनते हैं। अब लोगों ने पटाखे जब जलाए होंगे तो देखिए उसमें तमिल भाषा में अधिकतर क्या होता है पेपर वगैरह होते हैं वो साउथ इंडिया में मिलते हैं। अगला है आर्टिकल 25। देखिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में क्या है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए सबसे पहले 25 क्या बोलता है कि 25 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्मों को मान सकते हैं, उसका अंतःकरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको क्या होता है एक्सप्रेस कर सकता है, इसपे कोई उसको रोक नहीं सकता। पर मैं हूं तो मैं अपने मन से किसी भी धर्म को मानू चाहे ना मानू, चाहे उसका प्रचार करूं चाहे ना करूं, मेरी मर्जी है, इसमें कोई कोई नहीं। लेकिन एक बात हमेशा किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली किसी भी धर्म को अडॉप्ट नहीं करवाया जा सकता, जिसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कहा जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन भी कहा जाता है, वो नहीं किया जा सकता उसको भी। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से हिंदू से मुस्लिम बन रहा है, मुस्लिम से हिंदू बन रहा है, वो उसकी बात अलग है, लेकिन कोई हिंदू है उसको जबरदस्ती मुस्लिम बना रहा है, कोई ईसाई है तो जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, ये क्या है कानून के दृष्टि से आर्टिकल 25 इसको बैन करता है, इसको बैन हो गया। तो इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जो धर्म है उसका पालन कर सकता है, चाहे वो उसकी जो रीति रिवाज है उन सारी चीजों को पालन कर सकता है।
आर्टिकल 26 क्या बताता है? आर्टिकल 26 ये बताता है कि जो धार्मिक संस्थाएं होता है या धार्मिक जो संपत्ति होता है उसका रख रखाव क्या होता है, उसी धर्म के लोगों द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। जो आर्टिकल 6 क्या बताता है, जो धार्मिक संस्था जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया या और भी इस तरह के जो धार्मिक संस्था होती है या उसकी संपत्ति होती है, तो उनकी जो रक्षा करेंगे वो उसी धर्म के लोग करेंगे या उसी संप्रदाय के लोग करेंगे। धन्यवाद। अगर हिंदू धर्म के कोई मंदिर है तो उसका संरक्षण कौन करेंगे? हिंदू धर्म के लोग करेंगे। मुस्लिम का कोई मस्जिद है तो उसका संरक्षण कौन करेंगे? मुस्लिम के लोग करेंगे। अभी देखिएगा, आप लोगों ने एक नए नए कानून पर चर्चा सुना होगा, अभी जो वक्फ बोर्ड है उसी कानून में परिवर्तन करने में डाले थे लेकिन हुआ नहीं। अभी तो उसमें यही बात किया गया था कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें एक क्या है, गैर मुस्लिम लोगों को रखा जाए, तो इसी पर जितना विवाद हुआ था। तो क्योंकि ये आर्टिकल 26 की क्या है, विरोध है। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि जो भी जिस धर्म के लोग हैं उसी के संपत्ति का संरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 27 ये बोलता है कि जो धार्मिक संपत्ति है या धार्मिक जो खजाना है, पैसा है, उस पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स। मंदिर में जो भी पैसा होगा वो टैक्स नहीं लगेगा। तो एक बात है, मंदिर का पैसा अलग होता है और क्या होता है, जो मंदिर परिसर का जो पैसा होता है वो अलग होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो दान दी जाती है ना, इसका क्या होता है, इस पर टैक्स मिलेगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स के नहीं अंतर्गत नहीं आएगा जो डोनेट किया जाएगा। लेकिन अगर मंदिर परिसर में कोई दुकान लगाया जा रहा है, कोई मकान बनाया जा रहा है, उसका किराया लिया जा रहा है, वो सारी चीजें उस पर टैक्स लगेगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, मेले पर टैक्स लगेगा लेकिन मंदिर के दान पेटी में रखा हुआ पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। आप लोग जानते हैं कि मेले पर टैक्स लगता है, आप लोग जानते होंगे, अब हल्द्वानी वगैरह में बहुत सारे मेले लगते हैं, टैक्स लगता है। सिर्फ टिकट विकेट वगैरह के काट के मेले के अंदर उसमें प्रवेश करवाते हैं। तो मेले में जो नुमाइश लगेंगे या उसमें जो दुकान लगेंगे उस पर टैक्स लगेंगे, लेकिन जो दान दी जाएगी, जो डोनेट की जाएगी धर्म के नाम पर, उसमें क्या होगा, उसमें देखिए बहुत से लोग क्या होता है, ट्रस्ट पोल रखे हैं और ट्रस्ट पोल के अपने जो ब्लैक मनी होता है उसको सुधर है। तो ये भी क्या है, जरिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17 सरकार द्वारा अगर कोई फाइनेंस की हुई, अगर कोई एजुकेशन या जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे क्या है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी। देखिए चार प्रकार के क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, चार प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, निजी होते हैं। निजी मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपने पैसे से खोलता है, खुद चलाता है, जैसे मान लेते हैं आवासीय से कॉलेज हो गया या बहुत सारे मदरसा वगैरह होता है, ऐसे चलते हैं। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। एक होता है पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है, फाइनेंस होता है, जैसे सरकारी स्कूल, जैसे मान लेते आप डीएल कर लेंगे उसके बाद सरकारी स्कूल में, जैसे प्राइमरी में होगा, तो प्राइमरी में जो भी फीस वगैरह दी जाती है, बिल्डिंग वगैरह सब बनते हैं सरकार में, ऐसे संस्थानों में एजुकेशन यानी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी। वो अलग बात है कि हमारे देश में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द है कि बहुत सारे स्कूलों में क्या है, सरस्वती पूजा या बहुत सारी चीज हो जाता है, उसमें कोई मना नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई विरोध करना लग जाएगा कि नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमारे संविधान उसको बैन कर जा सकता है सरकारी स्कूल में। और एक होता है जो मैनेजमेंट कोटा वाला स्कूल होता है, जैसे बहुत सारे स्कूल आप लोगों ने देखा होगा जो मैनेजमेंट कोटा का स्कूल होता है, जो मैनेजमेंट तो अलग आता होता है लेकिन उसकी सैलरीज वगैरह क्या होता है, जो सरकार द्वारा दी जाती है, जैसे हल्द्वानी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, तो उसमें भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये सारे बात को आपको ध्यान रखिएगा। अगला है जो कल्चर और एजुकेशन संबंध जो अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक, इसमें क्या है, जो माइनॉरिटीज है यानी अल्पसंख्यक है उनको दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक का परिभाषा क्या बताया गया, पहले समझिए, जिनका जनसंख्या हमारे टोटल देश की जनसंख्या से 10% से कम है, वो क्या होता है, हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक उन्हें माना है। देखिए जब ये जनगणना हुई थी 1951 में, 1951 में उस समय मुस्लिम की आबादी क्या है, 10% से कम, इसलिए मुस्लिम को भी क्या है, अल्पसंख्यक माना जाता है कि अब तो 14% से क्या बन गया। लेकिन अभी बदलाव करना बहुत मुश्किल काम होता है, कि जब एक दल बन जाता है उसको हटाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ये पॉलिटिकल इश्यू होते हैं। देखिए भारत में 6 प्रकार के जो
धार्मिक समुदाय है उनको अल्पसंख्यक या माइनोरिटीज कहा जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका मुस्लिम, तो मुस्लिम या मुसलमान जो है इसको सबसे ये बड़ा अल्पसंख्यक। उसके बाद आता है सिख, तो सिख भी आता है। उसके बाद आता है बौद्ध, उसके बाद आता है जैन, उसके बाद आता है ईसाई, उसको क्रिश्चियन कहा जाता है, और बाद में आता है आपका पारसी। तो देखिए ये जो 6 धर्म के लोग हैं ना, इनको क्या कहा जाता है हमारे देश में, इनको क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहा जाता है, माइनॉरिटीज कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा कौन है? मुस्लिम है। और सबसे छोटा कौन है? पारसी लोग है। देखिए भारत में अधिकतर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो सब पारसी लोग हैं, टाटा वगैरह, बिरला वगैरह, सब पारसी लोग, डाबर हो गया। तो मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी, इनको अल्पसंख्यक कहा गया है। इन जो धर्म के लोग हैं इनको क्या करने का अधिकार है कि कहीं पर भी अपने संरक्षण के लिए क्या होना, अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो स्क्रिप्ट है और अपनी जो कल्चर है, इसको क्या संरक्षित यानी कंजर्वेशन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी है, पहले समझिएगा। मान लेते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे पारसी लोग हैं उनके जो भाषा है वो ईरान, देखो ईरान को पहले पारसी कहा जाता है, ईरान में जो मुस्लिम होने से पहले ईरान में जो लोग रहते थे इसको पारसियन या ईरानी कहा जाता है। जो ईरानी भाषा है वो क्या पारसी लोग बोलते हैं, जो पारसी से फारसी बना, ये जो फारसी भाषा है ना वो ईरान से आया है पहले ही। तो जो पारसी लोग है ये फारसी भाषा बोलते हैं। और एक बात आप लोग देखिएगा, भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं इनके सबके राष्ट्रीय भाषा भी क्या था? फारसी थी। चाहे वो मुगल आए उनके भी राष्ट्रीय भाषा क्या था? फारसी। उसके बाद जो सल्तनत पीरियड में जितने भी सुल्तान बने हैं उनके राष्ट्रीय भाषा क्या था? लेकिन मुसलमानों का जो धार्मिक भाषा है वो है क्या है? अरबी भाषा। लेकिन जो फारसी उनका धार्मिक भाषा भी भाषा क्या है? फारसी। अब संख्या में कम है तो इनके भाषा को अगर संरक्षण नहीं देंगे तो इनके जो लिटरेचर है बड़ा बड़ा विलुप्त हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, इनको कंजर्व करना, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ईसाई लोग हैं, ईसाई लोगों को भी क्या है इसके लिए, देखो ईसाई लोगों को बहुत सारे क्या है सुविधाएं दे रखे हैं। आप लोगों ने देखा कर जो पहाड़ों में या पूरे भारत में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, अब ये इतने ज्यादा क्यों खुल गए हैं? इसके पीछे यही कारण है क्योंकि उनको क्या है अपने लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने के लिए उनको फ्री में जमीन मिलता है स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए। तो ये जितने भी पहाड़ों पे या पूरे देश में जितने भी कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम के जो अंग्रेजों द्वारा खोले गए स्कूल है वो सब इसी के अंतर्गत, जैसे मदरसा है, मदरसा को भी क्या है ये अल्पसंख्यकों के आधार पर खोला गया है। इसको ध्यान रखिएगा। इसको बोले कि इतने कॉन्वेंट कैसे खुल गए कि यहाँ पे तो ईसाई धर्म के लोग तो है ही नहीं, सब तो पढ़ते हैं हिंदू लोग अधिकतर पढ़ते हैं, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है इसमें अधिकतर पढ़ते कौन है? हिंदू लोग पढ़ते हैं। लेकिन इनको गवर्न कौन करता है, प्रशासित कौन करता है? तो क्या होता है ईसाई लोग करते हैं, क्योंकि उनको क्या है अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है तो बहुत सारे क्या उनको सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता है, जमीन फ्री में मिल जाता है, बहुत सारे क्या होता है इनको सुविधाएं मिलती है। अगला है आर्टिकल 30। देखिए आर्टिकल जो 30 है ये क्या होता है, जो अल्पसंख्यक होता है इनको क्या है अपने रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार, जो अभी आपको बताया, जितने भी कॉन्वेंट है, मदरसे हैं, ये जो जितने भी चीज है इनको खोलने का जो अधिकार, या जमीन वगैरह या सस्ते में टैक्स फ्री कर देते हैं, ये कौन करते हैं? ये आर्टिकल 30 के अनुसार इनको मिलता है। तो आर्टिकल 30 में क्या है, जो माइनॉरिटीज है इनको क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है ओपन करने का, या इस्टेब्लिशमेंट करने का क्या होता है फ्रीडम उनको देता है। ठीक है, तो क्या है आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 खत्म हो गया आपको बताया था। आर्टिकल 31 के बाद आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में आपको पता क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। रेमेडीज मतलब क्या होता है, ठीक है, रेमेडीज का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए पहले। ठीक है, रेमेडीज का मतलब होता है उच्च। देखिए क्या होता है, अगर देखिए हम सामान्य व्यक्ति है या कोई सामान्य व्यक्ति किसान है मजदूर है, अब इनके पास इतना जानकारी भी नहीं होते हैं और इनके पास इतना क्या होता है समझ भी नहीं होता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनके पास जानकारी होती है, उनके पास पावर भी होता है, अथॉरिटी होती है। देखिए पावर और अथॉरिटी का अंतर, पावर अलग चीज होता है, अथॉरिटी अलग चीज होता है। जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनके पास क्या होता है अथॉरिटी होता है, इसको प्राधिकार कहा जाता है। तो अथॉरिटी होते हैं उनके पास,
अथॉरिटी के कारण क्या होता है, ये अपने जो पद है ना उसका मिसयूज कर सकता है। मिसयूज अगर करेंगे तो क्या होगा, जो आम नागरिक है उनको दिक्कत पैदा हो जाएगा। तो ये आम नागरिक जाए कहाँ, क्योंकि सारे जो इंस्टीट्यूशन है उन सब में तो यही कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं। तो इसको समाधान करने के लिए जो अम्बेडकर जी ने क्या है, ये जो संवैधानिक उपचार है इनको बताया कि संविधान का सोल है, यानी आत्मा बताया। को क्या होता है, आत्मा बताया था इसने अंबेडकर जी ने, इनको क्या बताया, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। क्या होता था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया, इनको बताया था किसने, ये अंबेडकर जी ने बताया, इसने बताया था अंबेडकर जी ने बताया। इनमें क्या होता है कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति को अगर प्रताड़ित करता है, उनके खिलाफ ऐसे कोई अपराध करता है, तो व्यक्ति क्या है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट होता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे जा सकता है, डायरेक्ट क्या है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या होगा, हाईकोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, हाईकोर्ट जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तभी क्या होगा कि जो कर्मचारी होता है, क्योंकि सारे जो कर्मचारी होते हैं ना वो न्यायालय से बहुत डरते हैं, जितने भी बड़े पुलिस अधिकारी हो, सब बड़े बड़े अधिकारी हो, सब जानते थे कि हर कोई ना कर्मचारी जो जिस पद पे बैठे हैं ना उसमें गल्तियां होती रहती है, इसलिए उनको डर रहता है कहीं ना कहीं गलती हमें पकड़ा में आ जाएगा और हमें होगा। इसलिए न्यायालय से क्या होता है, हर अधिकारी न्यायालय नहीं जाना चाहता, न्यायालय जाएंगे तो उनकी क्या कोर्ट वगैरह खुल जाएंगे, बहुत सारे क्या होता है। तो इसी आधार पर क्या होता है, नागरिकों को, हमारे देश के जो नागरिक है उनको 5 प्रकार के रेमेडीज दी गई है। कितने प्रकार के रेमेडीज दी गई है, 5 प्रकार के रेमेडीज दी गई है, जो समय अनुसार क्या होता है उसका यूज कर सकते हैं, समय अनुसार क्या हो सकता है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन पहला जो रेमेडीज है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण या ऑब्वियस पर्पस से कहा जाता है। अब ये हॉबियस पर्पस क्या होता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसको पहले समझिएगा, एक एग्जांपल सुनाता हूं। मान लेते हैं कोई पुलिस है, बहुत दबंग व्यक्ति है, और दूसरे पार्टी से पैसा लेके वो जो सेकंड पार्टी है उसको दबाना देते, ये पुलिस बहुत ही क्या क्रूर व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा रिश्वत लेने वाला व्यक्ति है, और ए व्यक्ति है बहुत कमजोर है, और बी व्यक्ति है क्या है, बहुत ताकतवर। इनके बीच में किसी बेटर पे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, हो सकता है कि ये व्यक्ति क्या है इनके लड़की से, या इनका लड़का इनके लेते शादी कर ले, अलग अलग कास्ट का हो, ऐसे मारपीट होता है। अब ये क्या है, ये इनको पैसा दिला दे होगा, या इनके कास्ट के होंगे तो बोलेगा इसको अच्छी तरह से ठिकाने लगाइए। ये पुलिस वाले क्या होगा, इनको बहुत टॉर्चर कर सकते हैं, और टॉर्चर करके इसको मार भी सकते हैं, मान लेते इसको टॉर्चर करके क्या है, मार डाल दे। किसी भी कहते हैं बहुत सारे क्या होता है, जेल में बहुत सारे कैदियों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं मृत्यु हो जाती है। अब एक का जब मृत्यु होगा तो एक के जो घर वाले होंगे, जब उनको तो चिंता होगा कि ये कहाँ है, उनको ढूंढा जाए, तो एक घर वाले पहले पुलिस के पास आएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे, तो उनसे बोलेंगे कि भाई हमारा जो ये व्यक्ति है वो आपके यहाँ पे बंद था, वो कहाँ गया है। अगर ये अगर कोई जवाब नहीं देते हैं तो क्या हुआ, ये जो घर वाले कहाँ चले जाएंगे, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाके उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ तो क्या डालेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है, रीट जारी कर देंगे। अब जैसे ही रीट जारी कर देंगे ना, सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस वाले को नोटिस भेज देंगे, भाई आप उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किए तो उसको मेरे सामने ले आओ। ये यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण की बात की है, प्रत्यक्ष उस व्यक्ति को लाइए, उसको फोटो वोटो से हम नहीं मानेंगे, उसे कोई आवाज या कागज से हम नहीं मानेंगे, जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया था उस व्यक्ति को हमारे सामने लाइए। अब देख पुलिस वाले कहाँ से लाएंगे, अगर मान लें उस व्यक्ति को मार डालते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाता है, यूपी में बहुत सारे एनकाउंटर वगैरह हो रहे हैं जो फर्जी वगैरह होते रहते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पुलिस वाले भी फंस जाते हैं। ठीक है, अब इस पुलिस वाले वो व्यक्ति को लाएंगे कहाँ, पुलिस वाले खुद फंस गए, ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले फंस जाते हैं। ठीक है, जब न्यायालय में अगर ऐसे व्यक्ति जाते हैं तो क्या हुआ, तो ऐसे क्या है, तो अब देखिएगा ये व्यक्ति, इनके घर वाले अगर कमजोर थे, कहीं या दूसरे पुलिस वाले के पास जाते तो उतना ज्यादा बढ़िया से न्याय नहीं मिलता। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस पुलिस वाले को बुला लिया और बोले कि उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रत्यक्ष लाइए, हम क्या है उसके फोटो, उसके सिग्नेचर, उनके कागज हम देखने वाले नहीं है, वो व्यक्ति को लाइए हमारे पास,
अब व्यक्ति कहाँ से लाएंगे, अब पुलिस वाले कब जाएंगे। तो ये क्या है, इसको बंदई प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है या ऑबवियस पर्पस कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या था जारी करते हैं, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट क्या होता है जारी करते हैं। देखिए नागरिक को कितना बड़ा अधिकार दिया गया है, हम इसलिए बोलना कि जो हमारे यहाँ के जो मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को क्या था अपने जेब में लेके घूमना चाहिए, अगर वो कोई पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व है तो। दूसरा है परमादेश, या इसे कह सकते हैं मैंडमस। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर अतिक्रमण होता है, या कोई दबंग लोग या कोई व्यक्ति क्या होता है रोड के जमीन पे या रेलवे के जमीन पे सरकार के जमीन पे घर बना के बैठ गया, अब वो उठने वाले नहीं है। अब देखिए इस केस में सरकार क्या होता है कोई एक्शन नहीं लेने जाता, तो किसी भी पार्टी की सरकार हो उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि हर कोई क्या है वोट बैंक के क्या है राजनीति करना चाहता है। अगर उनको हटाएंगे तो उन उन क्षेत्रों के लोग उनको वोट नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या होता है मैंडमस जारी करता है, और मैंडमस जब जारी करता है तो उसमें जो एसपी या उस जिले के या जो डीएम होते हैं उनको कंपलसरी होता है कि उस चीज को जिस तारीख तक करने के लिए देंगे उसे करके देना पड़ेगा। ये तो मैंडमस का मतलब होता है कि परम आदेश, अब उसको रोका नहीं जा सकता, उसको जो आदेश दिया गया वो पूरी होनी चाहिए, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, जो भी किसी भी पार्टी की सरकार है इंटरफेयर नहीं, क्योंकि सरकार ऐसी चीजों पे कभी हाथ नहीं लगाती है, क्योंकि उनके वोट बैंक की राजनीति होता है। आप लोग देखे होंगे हर शहरों में क्या हुआ अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं, इनको हटाएंगे तो सरकार का वो घाटा होगा ना, वोट बैंक का राजनीति है इसलिए नहीं हटाते। दूसरा है प्रतिषेध, या इसको प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिशन मना करना। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है मना करना। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ है, और उसमें क्या होता है देखिए दो तरह के हमारे यहाँ न्यायालय होती है या जुडिशियली होता है, एक क्या कहते हैं एक जुडिशियल कहा जाता है और एक क्या होता है क्वासी जुडिशियल कहा जाता है, एक होता है न्यायिक संस्थान कहते हैं और एक होता है अर्धन्यायिक संस्थान कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो महिला आयोग है मानवाधिकार आयोग है या एनजीटी वगैरह है, ये क्या होता है अर्धन्यायिक संस्थान होती है, उसको क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। और जो हमारे न्यायालय है जितने भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय सेशन कोर्ट जो भी होता है ये सब क्या होता है इसे क्या होता है जुडिशियली इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो देखिए कोई भी ऐसा कर, देखिए हमारे यहाँ पे जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है ना इन दोनों के पास कुछ विशेष पावर होते हैं। इनके पास क्या होता है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज दिया है और उसको अगर सही से मेंशन नहीं किया हुआ है व्याख्या नहीं किया है तो यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या तो उसका व्याख्या कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। समझिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होता है हमारे संविधान का व्याख्या करते हैं। इसलिए आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे संविधान का संरक्षक कौन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट लगाइएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है हमारे जो संविधान होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, सरकार नहीं करती है, सरकार को क्या होता है वो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन जो संविधान में जो भी चीज है उसको संरक्षण का अधिकार किसके पास है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगे कि कोई ऐसा कानून है जो क्या है जो हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय है या जो हमारे जो अर्ध सैनिक अर्ध न्यायालय है वो नहीं कर सकता है, तो ऐसे मैटर को पहले क्या होता है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं फिर वहां पे नीचे भेजते हैं। तो एक्सप्लेनेशन का अधिकार किसके पास है, इसलिए देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसको अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है, नहीं रिकॉर्ड जुडिशियरी कहा जाता है, उसमें हर चीज क्या होता है रिकॉर्ड किया जाता है। जो चौथा होता है उसको उत्प्रेषण या सर्टरी कहा जाता है, इसमें क्या होता है देखिए जो प्रोहिबिशन में क्या होता है कोई चीज को निर्णय देने से पहले उसको रोका जाता है, और उत्प्रेषण में क्या होता है कोई निर्णय दे दिया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तो उस निर्णय को भी रोक सकते हैं। आप लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश में अंदर सुना होगा कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उसको रद्द कर दिया था, अभी आज देखिए डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो केस है उसको रद्द कर दिया, रद्द कर दिया उसमें क्या उसको रद्द करके फिर से सुनवाई करने की बात। तो ये क्या होता है जो हमारे उच्चस्थ न्यायालय होते हैं वो नीचे के न्यायालय के चीजों को क्या होता है रोक सकते। तो ये क्या है निर्णय के उत्प्रेषण में क्या होता है निर्णय के बाद रोका जाता है, और प्रतिषेध मतलब को निर्णय होने देने से पहले उनको रोका है। तो ये दोनों को ध्यान देखिए अगला जो लास्ट है वो है आपका अधिकार परिषद या क्वाटो वारंटो कहा जाता है, क्वाटो वारंटो कहा जाता है।
इसमें क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं आप किसी प्राइमरी स्कूल के क्या है प्रिंसिपल है, या मान लो कोई भी एबीवी जो कोई भी बन गया प्रिंसिपल। अब गांव का एक दबंग व्यक्ति है जो वहां पे क्या है सहायक अध्यापक के रूप में क्या है काम कर रहा है, वो दबंग व्यक्ति है। और एक दिन आप सुबह जाते हैं, देखा कि आपके प्रिंसिपल वाले कुर्सी में बैठे बैठे क्या है बैठे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये प्रोटोकॉल का क्या होता है खिलाफ, यानी प्राधिकार यानी अथॉरिटी का क्या होता है मिस यूज कर। और वो व्यक्ति दबंग है तो जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, वो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर मतलब शरीर से कमजोर नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत सारे कमजोर हो सकते हैं। अब वो व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति को हटा नहीं सकते उस कुर्सी से, क्योंकि वो उस गाँव के है, और कुछ ज्यादा बोलेंगे तो गाँव वाले नहीं तो उसको मार भी सकते। तो व्यक्ति कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकता है, और बोलेंगे कि मुझे जो प्राधिकार दिया गया है वो व्यक्ति क्या होता है, जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका मिस यूज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है उस व्यक्ति को बुलाएगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका पदनाम क्या है। तो जब वो अपना पदनाम शुरू करेंगे तो उसको हटाया जाएगा। तो ऐसे भी होता है, पहले होते थे, आजकल तो थोड़ा मीडिया वगैरह आ गया तो ये नहीं होता है, पहले ऐसी चीज बहुत हुआ करती थी, ठीक है। आजकल ऐसी चीजें नहीं होती है, वो अलग बात है। तो कोर्ट वारंटो का मतलब होता है कि अधिकार पूछना, अपना अधिकार को पूछिए कि आप जिस प्राधिकार में हैं उस प्राधिकार में है कि नहीं, आप प्रिंसिपल है और आपको क्या है आपको असिस्टेंट टीचर के काम करवा रहे हैं, और जो असिस्टेंट टीचर है वो प्रिंसिपल होकर बैठे बने हुए, ये क्या है जो प्राधिकार है या अथॉरिटी का मिस यूज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है अधिकार पूछना का विधि जारी किया है। इसके बाद क्या है आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये क्या होता है सैन्य न्यायालय, सैन्य सेना के लिए होता है, सेना और पुलिस के लिए। ये जो सेना होता है और पुलिस होता है ना, इनको क्या होता है हड़ताल का अधिकार नहीं होता है। अगर आपके घर से कोई व्यक्ति है तो जानते कि जो आर्मी होते हैं और जो पुलिस होते हैं इनके इनके पास क्या नहीं होता है, जो हड़ताल वगैरह या जो सामान्य व्यक्ति नागरिक जो होते हैं उनको जैसे मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। देखिए आपको अभी आर्टिकल 19 बताया था, 19 में होता था कि कोई व्यक्ति क्या है अपने हिसाब से क्या कोई यूनियन बना सकता है और सम्मेलन कर सकता है, लेकिन पुलिस और आर्मी लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या कोई विशेष अधिकार होते हैं, तो उसके बारे में क्या है आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या है उसको मेंशन किया है, इसको हम लोग खाली मिला। और इसमें एक चीज और देखिए, हमारे यहाँ पे 3 आर्मी होते हैं, एक होता है जल सेना, एक थल सेना और एक वायु सेना। जो नेवल होता है आर्मी होता है, होता है जो एयरफोर्स होता है, ये तीन है। और जो देखिए हमारे यहाँ पे जो आर्मी होता है ना वो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो राजनाथ सिंह के अंतर्गत होते हैं, जिसमें कौन है राजनाथ सिंह। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे आर्मी होता है ना वो हमारे देश के बॉर्डर पे बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं करते। आर्मी क्या होता है जब लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, वॉर होता है, तब वो क्या होता है पार्टिसिपेट करते हैं बॉर्डर में। बोले बॉर्डर में कौन होते हैं, देखिए हमारे देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना उसको क्या है उसको अर्धसैनिक बल होते हैं, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स से कहते हैं। एक बात है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है वो देश के आंतरिक भागों में क्या होता है जो पीस में शांति लाने के काम करते हैं, आर्मी का काम नहीं होता। आर्मी का काम केवल होता है युद्ध के समय उनको काम करना। देखिए पैरामिलिट्री का फोर्स में देखिए कौन कौन होते हैं, आप लोगों ने सुना था BSF का नाम सुने होंगे, CRPF का नाम सुने होंगे, CISF का नाम सुनेगा, उसके बाद आसाम राइफल्स का नाम सुने होंगे, या ITBT का नाम सुने होंगे जो भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर को देखते हैं। तो ये क्या होता है इसको अर्धसैनिक बल कहते हैं, इसको क्या होता है पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है ना ये क्या होता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, इसको ध्यान रखिएगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है पैरामिलिट्री फोर्स होता है। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो श्रीनगर है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स का ट्रेनिंग होता है, इसको कई कई चीज होते हैं। अब उत्तराखंड में 2 रेजिमेंट है, एक गढ़वाल रेजिमेंट और एक क्या है उसका कुमाऊं रेजिमेंट है। कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है रानीखेत में है, और गढ़वाल रेजिमेंट का कहाँ पे है लालगांव में है, ये लोग अपने जानते हैं, कई कई उत्तराखंड में है तो पूछ सकते हैं। तो आर्मी अलग होता है और पैरामिलिट्री फोर्स अलग होता है। पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है इंटरनल सिक्योरिटी में काम करता है, और जो आर्मी होता है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में काम करता है। और जो पुलिस होता है ना पुलिस क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के हवाले,
जितने भी पुलिस आप लोग देखते हैं, उत्तराखंड पुलिस होता है तो स्टेट उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, यूपी पुलिस है तो यूपी पुलिस के अंदर काम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश के जो पुलिस होता है वो होल मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे दिल्ली की पुलिस हो गया, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो गया, चंडीगढ़ की पुलिस हो गया, उसके बाद आपका क्या है लक्षद्वीप की पुलिस हो गई, अंडमान की पुलिस, तो ये किनके अंतर्गत होता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। लेकिन जितने स्टेट होंगे, स्टेट में पुलिस क्या होगा, उस स्टेट सरकार के गवर्नमेंट के क्या है अंदर काम करती है, उसको दिखाना। इसमें क्या होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था का जो सब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछी है। तो ये आर्टिकल 33, 34 और 35 के हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के बारे में बात करते हैं। उनको क्या है, उनको आम नागरिक की तरह उनको मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार उनको प्रदान नहीं किए, उनके लिए अलग अलग क्या होता है प्रावधान उनके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। और ये चीज और समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया नहीं, उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। एक चीज आपको बताना था, एक है आर्टिकल 19(1), इसमें क्या होता है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात, प्रेस की स्वतंत्रता, ये आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो हमारे यहाँ मीडिया की जो स्वतंत्रता है ना, इसकी आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 19(1) में इसका उल्लेख किया गया। इसकी बात की है प्रेस की आजादी जो, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रेस जानते हैं बहुत ही निम्न स्तर पर है, हमारे यहाँ प्रेस उतना ज्यादा क्या है, फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। जो प्रेस क्या होता है, जो सरकार और जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनके अंडर में है, तो प्रेस की अगर स्वतंत्रता की बात की जाए या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाए तो आर्टिकल 19(1) में इसकी मेंशन की थी। ठीक है, आप बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर बनते हैं, कई पे डाउट है या कई चीज समझ में नहीं, देखिए कई चीज अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार पूछिए, जितना हम डिस्कशन करेंगे वो चीज उतना क्लियर होगा। और आपको श्योरिटी देते हैं कि कोर्स आप लोगों का क्या टाइम से खत्म हो जाएगा, जो रहता है अभी तो क्या है अलग अलग एक एक दिन में क्लास ले रहे हैं, अभी क्या है जो मैथ क्लास अलग होगा, जीएस क्लास अलग अलग करना है, तो जीएस का अलग क्लास होगा, उसमें क्या है कोर्स जल्दी खत्म होगा, तो इस बात में टेंशन आप ले लीजिएगा, इसी हफ्ते में ही ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पूछिए, जितना भी क्वेश्चन जितना हम डिस्कशन करेंगे ना वो क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा चीज ईजी हो जाएगा, जितना नहीं करेंगे वो चीज क्या होगा वैसे ही भारी बन रह जाएगा। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लोग कल आप लोगों से मिलते हैं, और आपको पीडीएफ और ये जो वीडियो है दोनों भेज देते हैं, आप लोग क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले में क्या हो भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए।